Assalamu alaikum, I hope you all are doing well. This is me Hunana and welcome back to my channel. So aaj hum ye look create karenge and I hope you will love this look. Please don't forget to like, subscribe and share. So without further ado, let's get started. सो मैंने मंगवाए थे हुदा ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट्स और मैं आज वही यूज़ करूँगी. आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई फेस फर्स्ट एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस शेड फॉर माई ब्रोज. ये मैं अपने सिरम के साथ मिक्स करूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू आउटलाइन माई ब्रोज एंड देन आई एम गोइंग टू फिल दैम अप. आई एम गोइंग टू यूज़ द ब्रशेज बाय ब्यूटीफाई बाय आमना and they are the best brushes. You guys can use my code HR19 and avail free goodies, avail some discount. So abhi maine apni brows ko outline kar diya hai aur ab main inko acche se fill out kar dungi. Mere eyebrows ka color black hai lekin main dark brown isliye use kar rahi hu because black mujh pe bilkul bhi suit nahi karta. Ab main use kar rahi hu concealer by Glam Girls aur ये सारी चीज़ें मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे मेंशन है. सो यू गाइस कैन गो एंड फॉलो मी एंड चेक आउट. इस कंसीलर की मदद से मैं अपनी ब्रोज को शार्प लुक दे रही हूँ, क्लीन आउट कर रही हूँ ताकि एक बहुत अच्छा सा लुक आ जाए. ऊपर से भी कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश एंड देन आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट आउट विद द ब्यूटी ब्लेंडर. जो ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज़ करूँगी वो है ब्यूटीफाई बाय आमना का डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेगा और ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही मज़े का है. आई एम डन विद माई अदर ब्रो टू. अब मैं अपनी आई लिड को प्राइम करूँगी यूजिंग द सेम कंसीलर बाय ग्लैम गर्ल्स और ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है. मैं ये प्रोडक्ट इसलिए ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा ब्लैंक कैनवस बन जाए. आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट आउट विद द ब्यूटी ब्लेंडर बाय ब्यूटीफाई बाय आमना और ये बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर है. यू गाइस कैन गेट इट फॉर फ्री बाय यूजिंग माय कोड HR19 अगेन. सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम गर्ल्स का सेटिंग पाउडर टू सेट माय कंसीलर. आई एम गोइंग टू यूज़ दिस शेड एज अ ट्रांजिशन शेड और मैं ये ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का. ये मेरा ट्रांजिशन शेड है. यू नो ब्लेंडिंग इज़ द की. वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है इसलिए आपको लग रहा है मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ. मैं जल्दी जल्दी नहीं कर रही, बहुत आराम आराम से कर रही हूँ. आपको भी ये स्टेप बहुत आराम आराम से करना है. उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड कॉल्ड ट्विलाइट और ये बहुत ही प्यारा शेड है और मैं ये अपनी फिंगर की मदद से लगाऊँगी. ब्रश से इतने मज़े का नहीं लगेगा. उसके बाद अपनी आईज़ में थोड़ा डेप्थ देने के लिए, आई लुक में थोड़ा डेप्थ देने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस शेड कॉल्ड अम्बर और ये मेरा ट्रांजिशन शेड से थोड़ा डार्क शेड है और यही शेड मैं यूज़ करूँगी अपनी लैश लाइन के लिए, लोअर लैश लाइन के लिए. यू गाइस कैन सी. अच्छा, नीचे भी ब्लेंडिंग ज़रूरी होती है सो यू नीड टू ब्लेंड इट आउट. अब मैं यूज़ कर रही हूँ कैट वॉन डी का लाइनर और ये बहुत ही मज़े का लाइनर है. बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा लाइनर है. गेट इट, बहुत ही स्मूथली लग जाता है. आज जो लाइनर मैं लगा रही हूँ वो है विंग्ड लाइनर और अब मैं अपना दूसरा आई मेकअप लुक कंप्लीट करके आ गई. ये सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द लैशेस बाय हुदा ब्यूटी. दे आर द साशा 1 साशा #11 लैशेस और ये बहुत ही कंफर्टेबल लैशेस हैं. आई एम गोइंग टू यूज़ हुदा ब्यूटी फाउंडेशन और मेरा शेड है टोस्टेड कोकोनट 240N. कबूकी ब्रश बाय ब्यूटीफाई बाय आमना यूज़ करूँगी और इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है. विद द हेल्प ऑफ माई ब्रश मैं इस तरह से फाउंडेशन लगाऊँगी एंड यू गाइज नो कि मैं सिरम के बगैर फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती. सो आई एम गोइंग टू यूज़ सॉन्ड्रे हुनाना रोज गोल्ड सिरम to blend out my foundation. Using the Kabuki brush by Beautify by Amna और serum के वजह से foundation बहुत ही मज़े से blend out हो जाती है. I don't use beauty blender. मैं brush के बाद beauty blender use करती हूँ to set my foundation और ये foundation बहुत ही high coverage है. अब मैं beauty blender use कर रही हूँ Beautify by Amna का to set my foundation. Now I'm going to use Maybelline Age Rewind Concealer.
ताकि मैं कंसील कर सकूं और हाईलाइट कर सकूं। मेरा शेड है लाइट पेल। आई एम गोइंग टू सेट माय कंसीलर विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्यूटी ब्लेंडर बाय ब्यूटीफाई बाय आमना। और ये ब्लेंडर बहुत ही मज़े का है, इट्स लाइक द ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर, बहुत ही मज़े से ब्लेंड हो जाता है। आई एम गोइंग टू बेक विद द हेल्प ऑफ ग्लैम गर्ल सेटिंग पाउडर, और ये सेटिंग पाउडर बहुत ही ज़बरदस्त है। वार्म देने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ द ब्रॉन्जर बाय स्टूडियो, आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्टोर। अब मैं ब्यूटीफाई बाय आमना के ही ब्रश से सारा सेटिंग पाउडर और जितना भी पाउडर था उसको रिमूव कर रही हूँ। आई एम यूजिंग दिस ब्लश बाय मेकअप रेवोल्यूशन, इट्स सो पिगमेंटेड और ये बहुत ही मज़े का ब्लश है। मैं मज़े का बहुत ज़्यादा ही बोलती हूँ। खैर, आई एम गोइंग टू हाईलाइट विद हुदा ब्यूटी 3D हाईलाइटर पैलेट। और यहाँ मैं इसका ब्लश वाला शेड यूज़ करूँगी, बहुत ही अच्छा सा शेड है ये। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस शेड फॉर हाईलाइटिंग और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। नोज़ और लिप्स को हाईलाइट करना नहीं भूलिएगा। आई एम गोइंग टू यूज़ हुदा ब्यूटी डैमी मैट लिपस्टिक इन शेड पैशनिस्टा। ये पिंक शेड है और ये बहुत ही मज़े का शेड है और इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है। आई एम जस्ट लविंग इट ऑनेस्टली। और इसके साथ हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो forget to like, subscribe and share. Products are mentioned in my Instagram page, Honana Rasool. Go follow me and check out. You will love it. In my next video, till then, take care. Allah Hafiz. Bye.